बात कर रहे थे इनेलो पार्टी की। 17वीं लोकसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। बाकी 4 नामों की घोषणा पार्टी सुप्रीमो ओपी चौटाला से सलाह कर घोषित कर शुक्रवार तक कर दी जाएगी। इनेलो ने अंबाला लोकसभा से रामपाल वाल्मीकि, सिरसा से निवर्तमान सांसद चरणजीत सिंह रोडी, करनाल से धर्मवीर पाडा को टिकट दिया। वहीं सोनीपत से सुरेंद्र छिकारा, हिसार से सुरेश कोत और फरीदाबाद से महेंद्र चौहान को प्रत्याशी बनाया है। कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुक्रवार तक की जा सकती है। सबसे पहले सरसा के अंदर जो हमारे सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी जी हैं, उनको अंबाला से भी अनेक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बनाने का काम है। जो रामपाल वाल्मीकि जो पहले 4 बार पार्षद रह चुके हैं, करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, उस करनाल लोकसभा क्षेत्र से भी पार्टी के सारे साथियों से हमने विचार विमर्श करके फैसला लिया और खुद जो है धर्मवीर पाडा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो स्वयं भी समाज सेवी भी हैं। सारे सोनीपत के साथियों से हमने विचार विमर्श के बाद फैसला लिया कि श्री सुरेंद्र छिकारा जी जो है उनको हमने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। सुरेश खोत, खोत गांव है उनका। उसके साथ साथ फरीदाबाद से श्री महेंद्र सिंह चौहान जो है, 4 जो शेष सीटें हैं, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के साथ रोहतक है, महेंद्रगढ़ है और गुड़गामा है, इन 4 सीटों के ऊपर हम एक बार फिर परसों चौटाला साहब से मिलेंगे और मिलकर के उनसे फिर दोबारा चर्चा करनी चाहिए और आपके माध्यम से इस चीज़ की मांग करते हैं कि जिन लोगों ने आदेश दिए उनके खिलाफ भी, जिन लोगों ने जाकर के इस किस्म से लाठियां बरसाई उन सब लोगों के खिलाफ सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। जो तूफान आंधी आ रहे हैं उससे जहां कई जगह पे ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है, सरकार को तुरंत स्पेशल गिरदावरी करके, क्योंकि किसान की बिल्कुल फंसी हुई फसल जो पकी हुई फसल जो थी जिसपे किसान ने 1-2 दिन बाद कंबाइन चला करके उसको काट करके अपने घर में ले जाना था, इस बेमौसमी बारिश की वजह से उस किसान के खेत की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, तो इसके लिए तुरंत उसको राहत प्रदान की जाए, इसकी स्पेशल गिरदावरी और उनको तुरंत मुआवजे के रूप में पैसा दे। तो चलिए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं, इनेलो ने किन प्रत्याशियों पर दाव खेला है। अंबाला से अगर बात की जाए तो रामलाल वाल्मीकि के नाम पर मुहर लगी है। करनाल से धर्मवीर पाडा को टिकट दिया गया है। इनेलो के ये 6 उम्मीदवार जो मैदान में हैं, सोनीपत से सुरेंद्र छिकारा को टिकट मिला है और वहीं बात अगर हिसार से की जाए, कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिलेगा और यहां से सुरेश कोत को मैदान में उतारा गया है। वहीं सिरसा से चरणजीत सिंह रोडी को मैदान में उतारा गया है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह चौहान इनेलो की ओर से मैदान में हैं। तो ये वो 6 नाम हैं जिनकी आज घोषणा हो चुकी है, जिनका आज ऐलान हो चुका है। बाकी बचे 4 नाम शुक्रवार तक घोषित कर दिए जाएंगे।